तो भाई लोग फिर से आगे में एक और बुली की एकदम बेहतरीन वाली वीडियो में। भाई लोग पिछले वाली वीडियो में हम एकदम बॉस बन गए थे, ठीक है, सब हम अपना बॉस मानने लग गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें शहर का बॉस बन जाना चाहिए, एकदम डीएम वीएम की तरह मेरा टाइप, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गलत सीन हो गया अपने स्कूल में। इससे पहले हम शहर का बॉस बनते हम खाली नाम ही नाम लिख के आए थे, इतने भी अपने स्कूल में गलत सीन हो गया, वही नहीं ढंग से हो पा रहा कुछ, क्योंकि अभी भाई पता नहीं कौन है, उसका तो कंफर्म नहीं है। कोई ना कोई भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन कर रहा है, मतलब भाई जो पठौती वाले थे उनकी लाइब्रेरी में चूहे छोड़ दिए, जो जिम है उसमें आग लगा दी, भाई स्कूल में बहुत ज़्यादा गलत सीन कर रहा है कोई। और वो जहाँ तक गैरी है उसका मोटिव यही है कि वो भाई लड़ाई भजवा दे सबसे और हमें मतलब बॉस वाली जगह से हटा के खुद बॉस बन जाए, शायद ऐसा हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता। एक बंदा था भी वहाँ पे जिसके बारे में हमें एक लौंडे ने बताया भी था, हम उसे देखने गए थे लेकिन वो हमें मिला नहीं, हमारे हाथ में भाई भाग गया था वो एकदम से, जैसे हम उसके पास गए एकदम से गिर के भाग गया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, भाई कौन निकल के आता है सामने, क्या सीन है और भाई हम कैसे बचाते हैं अपना सारा कुछ। तो आज की वाली वीडियो पूरी देखना, बजाएगा इस सैटरडे। तुम्हारा भाई कुछ नया लाने की सोच रहा है, मतलब नया नहीं, वो पहले भी आ चुका है चैनल पे, वापस से लाने की, मतलब कुछ अच्छा है, ठीक है, कुछ अच्छा लाने की सोच रहे हैं हम सैटरडे को। तो सैटरडे वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है, ये वाली वीडियो भी देख लो, सैटरडे वाली तो जरूर देखना, कुछ मजेदार आने वाला है, क्योंकि वो तुम्हें पहले ही पसंद आया था। वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा, क्योंकि बाबा बताने की बात नहीं होती, ठीक है भाई लोग। तो अभी क्या करते हैं, हम अपने साइंस वाले मास्टर जी के पास आए थे और भाई मास्टर जी को केमिकल वेमिकल मिक्स कर रहे थे और एकदम से भाई ऐसा सदमा सा लग गया था उन्हें, मैं देख के ये कहते डेविल डेविल भाई, मैं लगा जो पिछली बार रसल के मेरे साथ उनकी डेट थी ना उसका भी तक साइड इफेक्ट गया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं फॉर्चुनेटली। वो मतलब मास्टर जी कोई केमिकल वगैरह मिक्स कर रहे थे और उससे कोई धमाका हो गया तगड़ा सा, कहाँ यहाँ एक लैब टेक्नीशियन, तो भाई उससे क्या है मास्टर जी के सिर पर वेपर्स चढ़ गई उस केमिकल की, भाई जाना क्या गलत सीन है यार, उस केमिकल की वेपर्स चढ़ गई और भाई मास्टर जी को अब सब जगह डेविल वेविल दिखाई दे रहे हैं। खैर मास्टर जी ने बताया कि वो अपने फ्री टाइम में स्कूल से अलग कुछ केमिकल कंपाउंड बना के इधर उधर डिलीवरी देते हैं, तो हमें क्या है उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को डिलीवर करने जाना है अभी मास्टर जी की जगह पे, क्योंकि मास्टर जी की तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है इस टाइम, और हमें जो है उन केमिकल्स को मास्टर जी के लैब टेक्नीशियन से उठाना है। तो चलते हैं फटाफट डिलीवरी देने, लैब टेक्नीशियन पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है, टाइम इतना है नहीं हमारे पास, टाइम पे देनी है डिलीवरी। भाई ये हालत फट रहा है टेक्नीशियन इसका, भाई मैं फालतू का मैटर नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास टाइम एकदम लिमिटेड है डिलीवरी करने के लिए। जिम वाले मास्टर जी ने कहा कुल मंगाया पार्सल, यही से ना कैसे कहते केमिस्ट वाले मास्टर जी से, क्योंकि हमें भी दे दो पार्सल एक, इतनी दूर से हमसे डिलीवरी मंगवाई, ठीक है भाई सारे पार्सल वार्सल हमने डिलीवर कर दिया, हमें भाई डिलीवरी करने के $50 मिल गए। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं इससे पहले परफेक्ट हमारे बजाने आए, ठीक है भाई। तो अभी जोनी गायब हो चुका है और उसकी वजह मियाँ खलीफा है वो परेशान है कि वो कहाँ चला गया, तो मैं बताऊँ क्या हुआ। तो भाई जोनी की सेटिंग है उसका, भाई ऐसा सीन है उसकी रोज सेटिंग चेंज होती है, भाई पहले उसका जोनी था अब कोई और होगा। जोनी भाई पता नहीं कहाँ चला गया, उसने कर लिया इसके साथ ब्रेकअप जोनी के साथ और कोई और सेट कर लिया भाई रसल जैसा बंदा, और अब वो कह रही है कि जोनी अच्छा था उससे, तो भाई जोनी हो गया, हो चुका है अभी गायब। तो हमें अभी जोनी को ढूंढने जाना है, 22 भी हो गई चालू, ये कौन है भाई, कौन बदमाश बन रहा है, भाई बदमाश कैसे बन रहा है, बदमाश कैसे बन रहा है, भाई बम मारा इसने, उसका दिल विल टूट चुका है जोनी का एकदम ढंग से, कि भाई वो तो इसके पीछे इतनी लड़ाई वड़ाई कहता ढूंढ रहा था और वो किसी और असल जैसे बंदे की गर्ल सेट होगी, वो है तो मतलब जैकेट वाला ही लेकिन वो देखने में एकदम रसल जैसा है भाई, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, निकल के पतली पतली सी गलियों से, ये तो रास्ता भी नहीं है यार, भाई पागलखाने पहुँच गया जोनी अपने आप से, वो भी भाई तभी क्या पागल हो ना, ठीक है भाई। तो अभी ये जो है साइड में पागलखाना है और यहाँ पे एक पेड़ है, हम उसके ऊपर चढ़ रहे हैं इसके अंदर जाने के लिए, और भाई आ गए इसके अंदर कूद के, मैं यही सोच में यहाँ से भाग कैसे जाऊँगा, अंदर तो बढ़ गया मैं आराम से। खैर कोई नहीं, पहले जोनी को ढूंढ लेते हैं फिर भाई जाने का भी देखेंगे, ठीक है भाई। ये जहाँ तक साइलम का गार्ड है तो मैं इससे बच के अंदर चलता हूँ फटाक से, ठीक है भाई। हमें यहाँ पे जो बंदे हैं घूम रहे हैं ये गार्ड टाइप, इनसे बच के निकलना है, ठीक है। यहाँ मैं इसके अंदर गया, ठीक है,
अच्छा तो यहाँ पे देखने आया है, अभी इसे बाहर वापस जान दो जब मैं यहाँ से निकलूँगा। इस आगे गेट है एक, ठीक है ये गया और आगे जाके ठीक है। चलो भाई चलो चलो चलो, अरे भाग 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 भाग, ठीक है भाई यहाँ बंदे हरकत कर रहे हैं उल्टी सीधी, हाउ हू के बाहर निकाल रहे हैं असाइलम में। भाई इतना भी क्या पागल होना है, सेटिंग के पीछे का सीधा पागल करने पहुंच जाओ भाई। भाई पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें हमेशा मेरे साथ क्यों होती हैं, जैसे कि अभी तुम्हें दिख रहा होगा अपने पीसी के स्क्रीन पे इधर की साइड पे कुछ आ रहा है, ये भाई परफॉर्मेंस आ रही है वो जीपीयू की परफॉर्मेंस वगैरह, ये मुझे नहीं पता इस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ जब ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें क्यों होती हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा भाई छेड़खानी भी नहीं कर सकता, तो क्या पता क्या हो जाए भाई, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, बाद में देखूँगा क्या होगा। ओह भाई फाइनली, अबे कहाँ रखा भाई इन्होंने इसे, ठीक है भाई अभी हमें लॉन्ड्री रूम तक जाना है जहाँ हम अभी गए थे। और भागो इसके उधर जाने का इंतजार करना है मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये घुस गया मैं, अभी उधर जाना है भाई जल्दी से, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, हाँ बस ठीक है भाई। तो अभी क्या करते हैं, मैंने ये लॉन्ड्री रूम से यूनिफॉर्म चुरा लिया भाई, कितना ज़्यादा मुश्किल काम था, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा एकदम, और अभी कोई मेरे पे शक वक नहीं करने वाला, ठीक है एकदम हिटमैन बन चुके हैं हम भाई। मैं गेट पे एक आधे बंदे को टपका के उसकी यूनिफॉर्म उड़ा देता, ठीक है ना हिटमैन होता तो, लेकिन ये गेम भूली है तो इसमें हम वो काम नहीं कर सकते। अभी हमें क्या है भाई, गार्ड से बात करनी है और जोनी का गेट खोलने के लिए कहना है। हम जोनी के पास गए थे ना अभी, उसने कहा था कि भाई जल्दी से इनसे कहो गार्डों से कि गेट खोल लें। अच्छा ठीक है, तो हम भाई गार्ड से निकाल ने गेट खोलने को, हमने कहा कहीं आग वाग लग गई, गलत सीन हो गया कहीं पे, और अभी हम भाई गार्ड की जगह आके और खोल दिया गेट और भागना पड़ेगा क्योंकि अलार्म बज गया गेट खुलने का। ठीक है चलो चलो चल 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 चलो 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 भागो भागो, आग लगी आग लगी आग लगी, और वो बड़ी भर के आग लगी है। ये मैं कहाँ बढ़ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई बाहर निकल गए हम। ये हर स्वेटर भी यही था, अरे भाई गलत सीन भाई, चारों तरफ क्या कहते हैं गेट बंद हो गए, ये लोहे के गेट गिर गए सब जगह, इससे पहले हम बाहर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है भाई ये गेट अटक गया था इसमें तो इसलिए ये खुला रह गया, और ये इधर से निकल के देखते हैं भाई। ये सही में बावला हो गया था लोला के पीछे, इसकी सेटिंग ख़त्म हो गई थी। ठीक है भाई दूसरे जैकेट वाले बंदे के साथ चली गई थी वो, जो क्या कहते हैं रसल जैसा था भाई, बड़ी मुश्किल से बचाया, क्या कतई ऐसा था जैसे पजल सा सोल्व करना हो इसे बचाने के लिए, हो क्या मैं बावला होना सुना था लेकिन देखा इसे आज पहली बार इतना बावला हो गया भाई सीधा पागल खाने